हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लांस। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एस्टीमेशन ऑफ टू रूम बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ओके, अगर इस वीडियो पर एस्टीमेशन ऑफ टू रूम की बात करें बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, अगर इसे आप सेंट्रल लाइन मेथड के द्वारा देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड। ओके, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें एस्टीमेशन ऑफ वन रूम बाय यूजिंग बोथ मेथड, चाहे वो आपका सेंट्रल लाइन मेथड हो या फिर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड हो, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड। ओके फ्रेंड, तो आप अगर चाहे तो वन वे रूम की अगर एस्टीमेशन की बात करें तो इजिली वहां पर विजिट करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ओके, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने वाला एस्टीमेशन ऑफ टू रूम बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ओके ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आज हम लोग बात करने वाले एस्टीमेशन और टू रूम लॉन्ग वाला शॉर्ट वाला मेथड। ओके, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्लान है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दो बेडरूम होने वाला है। और इसके विंडो की बात करें तो हमारे जो विंडो है वो हमारे क्या है, चार विंडो है। ठीक है, एक टू वन टू थ्री एंड फोर। ओके, और जो डोर होने वाली है वो हमारी क्या है, दो डोर होने वाली है। ठीक है, और जो अगर एक रूम की बात करें तो वो हमारी होने वाली 6 मीटर 4 मीटर बाय 6 मीटर की, और दूसरी होने वाली है 6 मीटर बाय 6 मीटर की। ओके, और इसको क्रॉस सेक्शन के हिसाब से कट करने पर इसका जो क्रॉस सेक्शन आ रहा, तो वो हमारा आ रहा जो हमारा जो पीसीसी होगा वो हमारा क्या होगा, उसकी जो 90 सेंटीमीटर जो विड्थ होगी वो 90 सेंटीमीटर होगी। और जो हमारे जो ब्रिक वर्क करेंगे, ठीक है, जो ब्रिक वर्क इन हमारे जो फाउंडेशन में होगा वो हमारा होने वाला है, उसकी जो अगर विड्थ की बात करें वो हमारी होने वाली 80 सेंटीमीटर और ये हमारी होने वाली 60 सेंटीमीटर। ओके, और जो प्लिंथ बीम जो हम प्रोवाइड करेंगे उसकी जो अगर विड्थ की बात करें वहां पर होने वाली है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है ग्राउंड लेवल। ठीक है, और यहाँ से जो हमारी जो सुपर स्ट्रक्चर जो ब्रिक मेसनरी होती है उसकी जो हाइट की बात करें वो है हमारा 3 मीटर। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आइटम ऑफ वर्क की बात करें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सकवेशन की बात करें तो एक्सकवेशन सिमिलरली यह हो जाएगा फ्रेंड, यह हमारा क्या एक्सकवेट करना पड़ेगा, पीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड करते हैं लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल की बात करते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं जो प्लान है, तो इस प्लान में हमारा जो लॉन्ग वॉल कितना है, तो फ्रेंड देख सकते हैं एक ये लॉन्ग वॉल हो गया, दूसरा ये लॉन्ग वॉल हो गया। ओके, तो हमारी जो लॉन्ग वॉल होगी वो कितनी होगी, दो। शॉर्ट वॉल की बात करते हैं, शॉर्ट वॉल हमारे फ्रेंड देख सकते हैं जो शॉर्ट वॉल है वो हमारे तीन है। ठीक है, एक दो एंड तीन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें एक्सकवेशन केस में, अगर लॉन्ग वॉल के केस में, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके फ्रेंड, ये जो प्लान है इसकी अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी फॉर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल के लिए बात करते हैं, तो फ्रेंड देख सकते हैं जो इनर दिया गया इनर डायमेंस है वो हमारा क्या है, 4 मीटर। और ये दूसरा बेडरूम की बात करें वो है 6 मीटर। टोटल कितना हो गया फ्रेंड, 10 मीटर। अगर बीच की जो ब्रिक मेसनरी, ठीक है, वो जो इसकी जो अगर बात करें जो थिकनेस की बात करें या विड्थ की बात करें वो हमारी कितनी दी गई है, वो 30 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, तो अगर इन मीटर कितनी हो जाएगी, 0.3। तो टोटल यहां से अगर बात करें यहां तक वो हमारी कितनी हो जा रही है, 10.3 मीटर। ओके, और लेकिन हमें फाइंड करना सेंटर टू सेंटर, मतलब कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाना। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहां से भी क्या करना पड़ेगा, 0.15 घटाना पड़ेगा, यहां से भी 0.15 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारी जो अगेन आज जुड़ेगी वो अगेन हमारी क्या हो जाएगी, 0.3 जुड़ने वाली है। ठीक है, तो इधर से 0.15, इधर से 0.15, तो हो जाएगी 0.3। तो 10.3 प्लस 0.3 वो होने वाली है 10.6। ठीक है, मीटर इन फॉर लॉन्ग वॉल के केस में। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल के केस में जो सेंटर जो डिस्टेंस निकली वो 10.6 मीटर निकली। सिमिलरली अगर शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल के देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारे क्या 6 मीटर, एज वेल एज यहाँ भी हमारे क्या 6 मीटर दिए गए। ठीक है, सेंटर टू सेंटर फाइंड करना पड़े, सेंटर टू सेंटर फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस केस में हमें सिमिलरली यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर हटाना पड़े, डिडक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर डिडक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारी जो नेट निकलने वाली, ठीक है, तो अगर यहाँ से जो अगर बात करें इसकी हाफ से लेकर यहाँ तक जो हमारी जो हाफ जाएगी वो हमारी कितनी होगी, तो 6 मीटर प्लस 0.5 प्लस सॉरी 6 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.15, तो हमारी हो जाएगी 6.3 मीटर। ओके, इन शॉर्ट वॉल ना हम कैलकुलेट करते हैं, तो देख सकते हैं वो कितनी, जो अगर टोटल लेंथ की बात करें फॉर अगर एक्सकवेशन की, ठीक है, लॉन्ग वॉल के केस में वो हमारे यार 10.6 देख सकते हैं, 10.6। ठीक है, जो हमारा जो लॉन्ग वाला होता है उस केस में क्या करना पड़ता है, देख सकते हैं जो पीसीसी है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो भी विड्थ ऑफ जो भी पीसीसी होगी उतना भी हम क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, आउटर टू आउटर डिस्टेंस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां से भी क्या करना पड़ेगा,
45 और 45 दोनों तरफ से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इन लॉन्ग वॉल का जो भी डिस्टेंस निकला उसमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, देख सकते हैं जो लॉन्ग वॉल की जो डिस्टेंस निकली 10.6 मीटर निकली ना, हमारी जो विड्थ होती है अगर एक्सकेवेशन की बात करें तो एक्सकेवेशन केस में क्या होगा करना पड़ेगा, जो 90 सेंटीमीटर है तो दोनों तरफ हाफ हाफ क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ओके, मतलब कि 45 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर, ठीक है, इन किस में तो लॉन्ग वॉल का जो भी लेंथ निकला उसमें, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है मीटर में हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 0.45 प्लस 0.45, तो हमारी जो लेंथ निकल रही है वो निकल रही है 11.5 मीटर, ठीक है। और जो नंबर अगर बात दी गई है वो हमारे लॉन्ग वॉल कितनी देख सकते हैं, ये है और एक ये है, ओके, तो नंबर ऑफ दो वॉल है लॉन्ग वॉल ये दो है, तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल दो आ गई, लेंथ हमारी कितनी निकली 11.5, विड्थ कितनी है 0.9 मीटर दी गई है, हाइट की बात करें फ्रेंड तो हाइट यहाँ पर एक्सकेवेशन की बात करें तो यहाँ हमारा ग्राउंड लेवल, ओके, तो देख सकते हैं हाइट जोड़ सकते हैं ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर प्लस 30 तो ये हो जाती है 70 सेंटीमीटर और अगर मीटर की बात करें तो 0.7 मीटर, ओके, तो जो क्वांटिटी निकल रही है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो हमारा आ रहा है 14.49, ओके, ये हमारा क्या है क्यूबिक मीटर क्यूब में, ठीक है, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब में, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर शॉर्ट वॉल की केस की बात करें तो जो लेंथ निकल रही है, ठीक है, वो हमारी निकल रही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारी प्लान से निकली वो निकल रही 6.3। अब बात करते हैं कि शॉर्टर वॉल में क्या होता है कि इनर टू इनर डिस्टेंस लिया जाते हैं, ठीक है, तो इनर टू इनर डिस्टेंस के केस में जो हम लोग यहाँ पर ऐड किए थे उसे क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो -0.45 -0.45 वो आ जाता है 5.4 मीटर। नाउ जो हमारी जो शॉर्ट वॉल कितनी है तो देख सकते हैं फ्रेंड 1, 2, 3, ठीक, तो 3 लिख दी नंबर ऑफ जो हमारी जो वॉल है, लेंथ की बात करें हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5.4 आ गई, विड्थ सिमिलरली 0.9 और हाइट भी होने वाली है जो भी एक्सकेवेशन की जो हाइट होगी या डेप्थ 0.7, तो जो क्वांटिटी निकल रही है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 10.206, ओके, तो ऐड करने पर हमारा जो आ रहा है 24.696 मीटर क्यूब, ओके, तो एक्सकेवेट कराने पर जो क्वांटिटी लगने वाली है वो इतनी लगने वाली है, ठीक है ना, पीसीसी, ठीक है ना, जो हमारा जो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होता है उसको जब कराते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या, यही हमारा पीसीसी, ठीक है, तो पीसीसी के केस में हम लोग बात करते हैं, तो पीसीसी ऑब्वियस बात है जो भी हमारा एक्सकावेशन होगा तो उतनी ही विड्थ पर हमारा क्या होगी पीसीसी लगने वाली, तो ऑब्वियस बात है उसका जो अगर लेंथ होगा वो सिमिलरली सेम हो जाएगा, तो लॉन्ग वाले के केस में पीसीसी केस में क्या हो जाएगा टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो भी निकला प्लस दोनों तरफ से हाफ करना पड़ेगा 45 45, तो मीटर में क्या हो जाएगा 0.45 प्लस 0.45 इक्वल टू हो जाएगा 11.5 मीटर, तो यहाँ पर कितनी सिमिलरली हो जाएगी यहाँ पर क्या होगी नंबर होगी दो, लेंथ निकलेगी 11.5, विड्थ भी हमारी हो जाएगी सेम 0.9, लेकिन यहाँ पर जो अगर चेंज हो रहा है वो हमारा हो रहा है हाइट में, ठीक है, हाइट में, क्योंकि जो पीसीसी होती है वो हम लोग दिए गए हैं कितना 30 सेंटीमीटर मतलब कि 0.3 इन मीटर, ओके, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारा आ रहा 6.21, ओके। सिमिलरली शॉर्ट वॉल की बात करते तो शॉर्ट वॉल में क्या होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6.3 और यहाँ जो प्लस है उसे माइनस करना पड़ेगा, तो आ रहा सिमिलरली 5.4 मीटर। ना जो हमारी शॉर्ट वॉल कितनी दी गई थी 3 दी गई थी, जो लेंथ निकली वो हमारी 5.4 मिली देख सकते हैं, और विड्थ हमारी सेम हो जाएगी 0.9 और हाइट भी हमारी सेम हो जाएगी, तो हमारे जो कैलकुलेट करने पर आ रहा है 4.374, ठीक है, और जब इसको ऐड करने पर तो हमारा जाएगा 10.584 मीटर क्यूब, ओके, तो हमारे जो पीसीसी के केस में हमारी जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही 10.584 मीटर क्यूब, ओके। तो ना हम लोग पीसीसी तक बात कर चुके, ओके, पीसीसी से बात कर चुके, ना हम लोग बात करते हैं कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है, तो जो हमारी जो स्टेप होती चाहे वो 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और जो प्लिंथ पर जो हमारी जो अप टू प्लिंथ पर जो हमारी जो 40 सेंटीमीटर है ना हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रिक मेसनरी फाउंडेशन की बात करते हैं स्टेप 1 0.8 मीटर, ठीक है, यहाँ पर क्या है 80 सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या हो जाएगा 0.8, तो लॉन्ग वॉल के केस में बात करते हैं तो देख सकते हैं ये तो हमारा सेंटर टू सेंटर जो निकला और हमारा क्या स्टेप देख सकते हैं 0.8 मीटर क्या है विड्थ चौड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं हमारा क्या है ये हमारा जो है वो 80 सेंटीमीटर चौड़ा, तो हाफ हाफ दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा आफ्टर तो आफ्टर है तो ऐड करना पड़ेगा, तो 0.4 प्लस 0.4 तो 11.4 मीटर, ओके, तो ना हमारे लॉन्ग वॉल दो हो गई, लेंथ हमारी 11.4 हो गई, विड्थ कितनी निकल रही है विड्थ हमारी है 0.8 मीटर और जो डेप्थ है फ्रेंड देख सकते हैं जो डेप्थ हम लोग लिए गए वो हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, ओके, तो यहाँ हो जाएगा 0.2 और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा हमारा 3.648, ओके, और सिमिलरली अगर शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल में क्या होगा सिमिलरली बात करें तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था प्लान के अकॉर्डिंग माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ता है इनर टू इनर, तो हमारा जाता है 5.5 मीटर, ठीक है, तो अगर शॉर्ट वॉल की बात कर लें ये हमारा जो शॉर्ट वॉल कितनी है 3 है, लेंथ की बात करें तो 5.5 मीटर होने वाली है, और सिमिलरली अगर विड्थ है तो विड्थ हमारा क्या सिमिलरली रहेगी 0.8 मीटर और हाइट रहेगी सिमिलरली हमारी 0.2 मीटर, तो हमारी जो मल्टीप्लाई करने पर आ रही है 2.6
2.64, ओके, और दोनों को ऐड करने पर आ रहा है हमारा 6.28 है, ठीक है। तो अगर केस में अगर स्टेप वन की अगर बात करें तो स्टेप वन में जो क्वांटिटी लगेगी, ठीक है, जिसकी विड्थ 0.8 मीटर, तो वो हमारी हो जाएगी 6.28 मीटर क्यूब में, ओके। सिमिलरली जो स्टेप टू है 0.6 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर, ओके। तो देख सकते हैं ये हमारा स्टेप टू है, ये हमारा स्टेप टू है, ओके, ये हमारा स्टेप टू है जिसकी अगर बात करें विड्थ 60 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस बात है लॉन्ग वाल के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ मतलब एड करना पड़ेगा, मतलब 30-30 सेंटीमीटर, और अगर शॉर्ट वाल के केस में क्या करना पड़ेगा, वही माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि माइनस करना पड़ेगा 30-30 सेंटीमीटर, ओके। तो सिमिलरली देख सकते हैं ये हमारा हो गया 10.6, प्लस करना पड़ेगा क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3, वो हमारा आ जाएगा 11.2 शॉर्ट वाल के लिए, और सॉरी लॉन्ग वाल के लिए, और शॉर्ट वाल केस में बात करें तो वही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह हमारा आ जाएगा 5.7 मीटर। ना लॉन्ग वाल केस में हमारा क्या नंबर 2 दिया है और लेंथ निकल ली ऑलरेडी 11.2, विड्थ हमारी निकल गई 0.6, ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो स्टेप 2 वो हमारा क्या 0.6 के लिए निकाल रहे हैं 0.6, और जो हमारा जो हाइट है वो हमारा देख सकते हैं ये इस बी हाइट हमारी जो दी गई है वो हमारा क्या 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दी गई है। ना हम लोग बात करते हैं कि अगर क्वांटिटी तो वो हमारी हो जाती है 2.68, ओके। अगर शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल में क्या होता है फ्रेंड, देख सकते हैं जो हमारी क्या निकली थी लेंथ 5.7 निकली थी, और जो नंबर है शॉर्ट वॉल की वो 3 है, ठीक है, 3 है, और जो विड्थ की बात करें तो 0.6 मीटर होगी, हाइट हमारे क्या 20 सेंटीमीटर, तो इन मीटर 0.2, और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 2.052, ठीक है, तो एड करने पर हमारा जो टोटल निकलेगा 4, अगर विड्थ उसकी बात जिसकी अगर बात करें 0.6 मीटर है, ठीक है, इन फाउंडेशन है, तो आ रही 4.74 मीटर, ठीक है, अगर ब्रिक वर्क करा रहे हैं तो, ओके। ना हम लोग बात करते हैं कि स्टेप 3 0.4 मीटर, अब तो प्लिंथ, ठीक है, तो अब ये हमारा क्या होगा प्लिंथ भी मांगे, ठीक है, तो प्लिंथ के लिए जो अगर बात करें 40 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ जो 40 सेंटीमीटर दी गई यहाँ पर हम लोग मीटर में लेके चल रहे हैं 0.4 मीटर, तो लॉन्ग वाल के सिमिलरली क्या होगा फ्रंट, तो जी 40 सेंटीमीटर तो हाफ हाफ लॉन्ग वाल के लिए एड करना पड़ेगा, और जो अगर शॉर्ट वाल है वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो सिमिलरली यहाँ पर हाफ हाफ एड किए, हमारा जो लॉन्ग वाल के केस में जो लेंथ निकल रही है 11 मीटर, और शॉर्ट वाल के केस में निकल रही है 5.9। लॉन्ग वाल देख सकते हैं हमारी कितनी है, 2 दी गई है, तो 2 लिख दिए। शॉर्ट वाल केस में हमारी कितनी है, 3, तो 1, 2, 3 हमारी होगी शॉर्ट वाल केस में, दोनों का लेंथ ऑलरेडी लिख चुके हैं, विड्थ हमारी क्या सेम है क्योंकि 0.4 मीटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या जो हाइट भी ऑलरेडी कंसीडर है फ्रेंड, देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर 0.4 कंसीडर किया, ओके। ना इसको अगर मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू लॉन्ग वाल के केस में ये आ जा रही है, और हमारी शॉर्ट वाल केस में आ रही है 2.832, तो एड करने पर हमारा आ रहा 6.352 मीटर क्यूब में, ओके, स्टेप 3 के केस में ना, ठीक है। अब हम लोग बात करनी है कि हमारा जो 1 स्टेप हो गया, दूसरा भी स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है, तो इसमें अगर ब्रिक मेसनरी करेंगे तो क्वांटिटी कितनी लगने वाली है। ना हम बात करते हैं कि डीपीसी एट प्लिंथ लेवल, ठीक है, प्लिंथ लेवल या फिर जो हमारे जो प्लिंथ लेवल है, जो प्लिंथ बीम थी, तो इसके ऊपर जो डीपीसी प्रोवाइड करेंगे उस केस की उस क्वांटिटी की बात करते हैं, ओके। तो लॉन्ग वाल केस में क्या हो रहा है 10.6 हो गया, तो सिमिलरली ऑब्वियस बात है कि जो प्लिंथ बीम के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी विड्थ प्लिंथ बीम की होगी तो उतना भी हमें क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, तो सिमिलरली दोनों तरफ से हाफ माइनस करना पड़ेगा, 0.4 था, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 11 मीटर, और जो लेंथ भी आ जाएगी 5.9 मीटर, ठीक है, तो लॉन्ग वाल हमारी पास 2 थी, हाइट और जो लेंथ निकल गई वो हमारी निकल गई 11 मीटर, और अगर बात करें इसकी जो विड्थ है वो हमारी क्या है 0.4 मीटर, और ऑब्वियस और जो हमारी जो डीपीसी होती है, तो डीपीसी की जो हमारी डेप्थ होती है, थिकनेस होती है, वो क्या होती है ऑलरेडी फिक्स होती है, ठीक है, तो इसलिए उसकी जो क्वांटिटी निकलती है वो हमेशा याद रखिएगा मीटर क्यूब में ना निकल के मीटर स्क्वायर में निकलती है, ठीक है, कि उसकी जो थिकनेस होती है वो हमेशा क्या कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो उसके समय उसकी जो क्वांटिटी निकलती है मीटर स्क्वायर निकलती है, तो हमारा क्या पता है लेंथ पता चल गया और विड्थ हमें पता है, ठीक है, और थिकनेस को हमें क्या होता है वो पहले से स्पेसिफाइड है इसलिए लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा कैलकुलेट करने पर आएगा जी 8.8 मीटर स्क्वायर। ना हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट वॉल के केस में तो जो सिमिलरली जो निकल जाएगी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इनर टू इनर के लिए, तो 5.9 मीटर, तो 3 है हमारा शॉर्ट वॉल और लेंथ निकल गई 5.9, और विड्थ हमारी वो है 0.4, तो आ जाएगी 7.08, ठीक है, तो ना हमारी जो अगर बात कर टोटल की तो डीपीसी के केस में 15.88 मीटर स्क्वायर में, ओके फ्रेंड, ये याद रखिएगा हमेशा कि मीटर स्क्वायर में कंसिडर किया जाएगा ना कि मीटर क्यूब में। ना बात करते हैं ब्रिक मेसनरी एट सुपर स्ट्रक्चर, ओके, तो देख सकते हैं ये जो 3 मीटर का जो हमारा जो ब्रिक मेसनरी किया जाता है, ठीक है, प्लेन जो भी डीपीसी से ऊपर लेके जाता है, वो उस केस में हम लोग बात करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से, ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा जो उसकी जो ऑब्वियस बात है जो थिकनेस है ब्रिक मेसनरी की वो क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कहना कहीं क्या होगा लॉन्ग वॉल केस में क्या 50-50 हाफ एड हो जाएगा और 50-50 शॉर्ट वॉल केस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मीटर केस में क्या होगा एड हो रहा, तो आ जाएगा 10.9 मीटर
लॉन्ग वाल केस में 2 है हमारे लॉन्ग वाल और लेंथ निकल के 10.9 और विड्थ हमारी 30 सेंटीमीटर तो 0.3 मीटर होगी और जो हाइट है 3 मीटर है। ओके तो कैलकुलेट करने पर आ रही है 19.62 ठीक है मीटर क्यूब में। ना हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट वाल केस में क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ जो एड की है उसे सेपरेट करना पड़ेगा इनर टू इनर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो माइनस करने पर आ रहा है 6 मीटर, तो वो हमारी हो जा रही है शॉर्ट वाल केस में 3 हमारी निकल रही है नंबर। और बात करें 6 मीटर निकली उसकी क्या निकली लेंथ और विड्थ हमारी 0.3 मीटर और जो हाइट है 3 मीटर ठीक है, तो वो हमारी निकल के आ रही है 16.2 मीटर की। ओके तो दोनों को एड करने पर आ रहा है ब्रिक मशीनरी एट सुपर स्ट्रक्चर वो हमारा होने वाला 35.82 मीटर क्यूब। ओके ये हमारे निकल के टोटल ब्रिक मशीनरी की, लेकिन इस केस में क्या फ्रेंड देख सकते हैं जो हमारा जो विंडो दिया गया है और जो डोर है तो उसका भी डिडक्शन करना पड़ेगा, तो ना इसका डिडक्शन करते। ओके डिडक्शन करने के लिए फ्रेंड देख सकते हैं जो हमारी जो डोर है वो उसकी जो साइज की बात करें तो 0.9 × 2.1 ठीक है, तो हमारा जो लेंथ है वो 0.9 दिए गए और जो हमारी जो हार्ट रेट रहेगी जैसे ये हमारा क्या डोर है ओके, तो ये हमारा 0.9 मीटर दी गई है और जो हमारा जो हाइट है ये हमारा क्या 2.1, ये 2.1 है और 0.9 ये है। ओके तो हमारे क्या होगा ये हमारे क्या डोर है देख सकते हैं ये हमारे कितनी डोर कितनी प्रोवाइड की है 2 प्रोवाइड की है। ओके और ये विंडो 1, 2, 3, 4 ठीक है, देख सकते हैं डोर कितनी है 2 है और इसकी अगर बात करें तो लेंथ है 0.9 मीटर ठीक है, और जो हमारी विड्थ तो ऑब्वियस बात है जितनी अगर बात करें जो हमारे जो थिकनेस या भी बोल सकते हैं जो भी हमारे जो डेप्थ रहेगी हमारी जो वॉल की उतना ही हमारा क्या होगा डोर लगने वाला है फिट होने वाला, तो 0.3 हो गया क्योंकि हमारी जो वॉल की थिकनेस है वो हमारा क्या 30 सेंटीमीटर। ओके तो 0.3 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जो हाइट है हमारा 2.1 है ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी की निकल के 1.134। सिमिलरली अगर विंडो की बात करते हैं विंडो हमारी कितनी थी 4 थी, उसकी जो लेंथ कितनी निकली है 1.8 मीटर निकली तो 1.8 हो गई, और सिमिलरली जो भी थिकनेस जो भी हमारी जो थिकनेस है वो हमारी वॉल की वो 30 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो जाएगी 0.3, और यहाँ पर जो उसकी जो हाइट है वो हम 1.5 तो उसकी जो क्वांटिटी निकल रही है 3.24 तो एड करने पर आ रहा 4.374। ओके और ऑब्वियस बात है कि जैसे कि यही हमारा क्या था जो डोर था इसके ऊपर लिंटन प्रोवाइड करेंगे ओके, ताकि जो आरसीसी का लिंटन प्रोवाइड किया था ताकि हमारा जो भी लोड आए वो हमारा डायरेक्टली क्या करे वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि डायरेक्टली वो हमारा क्या हो सके इस पर ना लगे ठीक है, मतलब कि लोड इजिली क्या हो हमारे जो ब्रिक मशीनरी होता है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ठीक है, तो उसके लोड को इजिली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर आरसीसी का लिंटन प्रोवाइड करते हैं, तो आरसीसी का लिंटन प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन निकालते हैं वो हमारा क्या लेके चलते हैं 0.15 मीटर। ओके तो दोनों तरफ से 0.15 लेके जाना पड़ेगा और जो लेंथ निकली है वो हमारी कितनी 0.9, तो 0.15 प्लस 0.9 प्लस 0.15 वो जो लेंथ निकल जा रही है डोर के केस में 1.2 मीटर, तो 2 हो गई हमारी डोर लेंथ निकली 1.2, विड्थ सिमिलरली थिकनेस ऑफ जो वॉल है वो हमारी है 0.3, और जो हाइट निकली फ्रेंड ये भी हमारी जो हाइट है वो भी हमारा क्या है 0.15 है ठीक है 0.15 मीटर, तो हमारी जो हाइट भी निकल गई 0.15 मीटर, तो इसको जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.0108 ओके मीटर क्यूब में। ना हम लोग बात करते हैं कि अगर सिमिलरली अगर विंडो के केस में बात करें तो विंडो केस में फ्रेंड ये भी है हमारा क्या है विंडो है ओके, तो विंडो केस में भी जो हमारा जो दिया जाता है आरसीसी का जो लिंटन फॉरवर्ड किया था सिमिलरली सेम प्रोजेक्शन पर निकाला जाता ओके, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0.15, ये भी हमारा 0.15 ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.15 प्लस 1.8 प्लस 0.15 तो टोटल जो लेंथ आ जाएगी 2.1। चार नंबर ऑफ हमारी कितनी थी हमारे पास 4 विंडो है, लेंथ हमारी कितनी निकल गई 2.1 निकल गई, और जो थिकनेस ऑफ जो भी हमारी जो वॉल है वो 0.3 है, और सिमिलरली यहाँ पे जो हाइट है वो हम लोग कंसीडर के 0.15 ओके, तो इसकी जो क्वांटिटी आ रही देख सकते हैं 0.378 ओके, तो दोनों को ऐड करने पर कितनी आ रही है 0.486 मीटर क्यूब ओके। तो फ्रेंड ये था हमारा डिडक्शन की जो अगर डोर है उसके साथ साथ जो आरसीसी लिंटन है तो दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आ जा रहा है 4.86 मीटर क्यूब ओके, और जो हमारा जो ब्रिक मशीनरी एट सुपर स्ट्रक्चर पर जो हमारी क्वांटिटी निकली थी टोटल वो थी 35.82, तो हमें क्या करना पड़ेगा अब जो भी हमारी जो क्वांटिटी थी 35.82 उसमें से माइनस करना पड़ेगा 4.86 मीटर क्यूब डिडक्ट करना पड़ेगा ठीक है टोटल डिडक्शन, ताकि हमारे जो एक्चुअल ब्रिक वर्क देखने को मिल सके ठीक है, तो उसके लिए जो अगर माइनस करने पर हमारी जो क्वांटिटी आ रही है एक्चुअल ब्रिक वर्क की ओके वो हमारी आ रही 30.96 ठीक है, ये हमारी आ रही 30.96 मीटर ओके। फ्रेंड्स ये तो हमारा जो था एक कैलकुलेशन था या एस्टीमेट था ये तो बात कर ली, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ओके फ्रेंड यहाँ पर एक देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ठीक है, जैसे कि हमने जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया
एक्सकवेशन किया, देन हमने पीसीसी किया, देन हमारा क्या था वो पीसीसी के बाद हमने ब्रिक मेसोनरी फाउंडेशन किया, देन हमारा डीपीसी, देन हमारा सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग क्या नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, नीचे से जब हम लोग क्या आ रहा लेवल हमारा, जब हम लोग सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो लॉन्ग वॉल होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है। देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं 11.5 था, ये भी 11.5 है, देन हमारा क्या घटता चला जाएगा, 11.4 हो गया, 11.2 हो गया, फिर हमारा देख सकते हैं 11 हो गया, फिर हमारा क्या होगा, ये तो डीपीसी सेम था इसलिए 11 सेम रह गया, फिर हमारा 10.9 हो गया। ठीक है, ये हमारा घटता चला जाता है अगर हम नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो शॉर्ट वॉल होती है वो हमारी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारी पहली कितनी थी, 5.4 थी, एक्सकवेशन पीसीसी सेम विड्थ के लिए है इसलिए हमारा क्या होगा सेम रह जाता है 5.4। नाउ ब्रिक वर्क की बात करते हैं तो हमारे देख सकते हैं बढ़ गया, ठीक है 5.5 हो गया, देन स्टेप टू हमारा क्या हो जाएगा 5.7 हो गया, देन हमारा स्टेप थ्री क्या होगा 5.9 हो गया, और हमारा डीपीसी एट प्लिंथ लेवल पे इसलिए क्या होगा इसका भी सेम हो जा रहा है 5.9। और अगर यहाँ पर अगर बात कर ब्रिक मेसनरी की, अगेन हमारा देख सकते हैं शॉर्ट वॉल केस में बढ़ गया। ठीक है, मतलब कि इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे अगर आप सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं तो हमारी जो लॉन्ग वॉल होती है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारी घटती चली जाती है। ठीक है, और जो शॉर्ट वॉल होती है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और ये था एक छोटा सा बोल सकते हैं इसको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। ओके फ्रेंड, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ओके, ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, और अगर इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।